Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्या हुआ बाबा? अरे मानव क्यों लेके जा रहे उसको? बाबा ये सिग्नेचर्स किसके? सचिन, मैं पूछ रहा हूं, ये साइन किसके हैं? मानव कैसे बेहुदा सवाल करता है बेटा? ये जो सिग्नेचर है ना, ये इस नालायक औरत ने किए हैं। वो तुझसे तलाक चाहती थी। तलाक मिलने के बाद एली मनी के नाते पैसे इतना, फिर गाड़ी बंगला। बस करा जी, इतने सालों से झूठ बोलती आई है, थकी नहीं झूठ बोलते बोलते? दादा, आप सबको सच्चाई बता दीजिए, मैंने आप लोगों की बातें सुनी थी, आपने कहा था ना हम लोग गलत हैं, आई सही है। दादा प्लीज बता दीजिए कि वो सिग्नेचर्स किसके हैं। आज सबको बता दीजिए सच्चाई क्या है। अगर आज नहीं बताई ना तो फिर मौका कभी नहीं मिलेगा। सबको बता दीजिए वो सिग्नेचर्स किसके हैं, प्लीज। तेजू तू क्या बोले जा रही है? तूने जो भी सुना है ना वो सब गलत है बेटा। तेरी आजी कभी गलत, आजी मुझे पता चल गया सच क्या है और गलत क्या है। जो लोग सही थे मैं उन्हें हमेशा गलत मानती आई, और जो लोग गलत है वो। अरे तेजू, तू इसकी तरफदारी कर रही है? तू जानती है नहीं इस औरत को? आजी मैं इस औरत को नहीं जानती, मैं उस औरत को जानती हूँ जिसने इंडिया आने के बाद मुझे अपने घर में रखा, जिसने कोई रिश्ता ना होते हुए भी मुझे अपने दिल में जगह दी, जिसने मुझे इतना प्यार दिया, बीमारी में मेरी सेवा की, और जब मुझे पता चला कि वो मेरी आई है तो मैं उससे नफरत करने लगी। जानती है क्यों? क्योंकि 18 साल से तूने मेरे मन में इसके खिलाफ सिर्फ कड़वाहट का बीज बोया है। मेरी आई इतनी अच्छी थी, लेकिन चाह के भी मैं उनके बारे में कभी अच्छा नहीं सोच पाई। सिर्फ तेरी वजह से बात अगर मुझ तक रहती तो मैं बर्दाश्त कर जाती, लेकिन तूने बाबा को भी आई के खिलाफ कर दिया। रिवा, एक दिन में तेरी आजी इतनी बुरी हो गई, और तू जिसे ठीक से जानती नहीं वो तुझे सच्चाई की मूरत लगी? हाँ, मैं कैसे भूल गई, तेरे शरीर में इस नालायक औरत का खून दौड़ रहा है। प्लीज, मेरी आई के बारे में रिस्पेक्ट से बात कीजिए। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, अब तो बिल्कुल नहीं करूंगी। और दादा आप आज सच्चाई बोल दीजिए प्लीज,
18 साल हम लोगों ने गुजारे आई के प्यार के बिना। अगर अब आप कुछ नहीं बोले ना, तो हम अपनी आई को हमेशा के लिए खो देंगे। दादा प्लीज प्लीज आज सच बोल दीजिए। दादा प्लीज बता दीजिए सबको कि सच क्या है। तेजू सही कह रही है बाबा। इस पे सिग्नेचर रचना जी के, लेकिन ये उन्होंने नहीं किए। आज ही ने उनके सिग्नेचर कॉपी किए। मैंने उनका फसा दिया। सचिन कितना बड़ा बदनसीब हूं मैं। जिन लोगों पर मैंने सबसे ज्यादा विश्वास किया, उन्हीं लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। क्यों? सचिन, तुम्हारे ही हाथों से मैंने ये केस दर्ज करवाया था। इस केस की एक एक प्रोसीडिंग्स तुम्हारी मौजूदगी में हुई। हाथ नहीं कांपे तुम्हारे ये सब करते हुए। एक बार भी तूने ये नहीं सोचा कि तू ये सब अपने बाबा के खिलाफ कर रहा है? क्या मेरे प्यार में कमी रहेगी थी बेटे? तो मैंने कभी तुझे अपने बेटों से प्यार नहीं दिया, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? मेरी आई के लिए बाबा। मेरी शराब नहीं आई। मुझे हमेशा से लगता था कि अर्चना जी की वजह से मेरी आई के साथ अन्याय हुआ। ना वो आपकी पत्नी बन सकी, ना हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें उनका हक दिलाना चाहता था बाबा। आपसे शादी करके उन्हें हमारे परिवार का हिस्सा बनाना चाहता था। और ये तभी मुमकिन हो पाता जब आप अर्चना जी को डिवोर्स दे देते। मेरी सोच गलत थी बाबा, गलत थी मेरी सोच। मेरी गलत सोच को बढ़ावा दिया आज ही। हमेशा कहती गई कि जो मैं कर रहा हूं सही समझ रहा हूं। उनकी सारी बातें मानता क्या? और उस दिन जब मेरे सामने उन्होंने, पर आज ये तो गलत है। तेरी बाबा की सही लेने के लिए यही जरिया ठीक है ना? कोई भूल पाएगा ये अर्चना की सही नहीं है? जब आपको वो डिवोर्स पेपर्स कनाडा में मिले थे, वो मैंने एक कुरियर करवाया। तो आपको लगा वो इंडिया से आए।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।